बुक का तो टेस्ट ही नहीं हुआ, टैक्स बुक का पेपर है इधर ही पड़ा, तो आया था ना लेने को, आत्मा को देता हूँ, दे रहा हूँ। चलो करो फटाफट, अभी भी है ना पहला दूसरा लेक्चर है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक, कोई भी टॉपिक अभी मिस नहीं करना, प्लान हो जाओ। किया क्या, देखा क्या, स्टार्ट किया था सर, आपसे सो गया सर, आपने मुझे स्टार्ट किया फिर सो गया सर, स्टार्ट किया फिर सुबह चल ही नहीं रहा सर, आपने मुझे 12 बजे भेजा वही सर, पूरा पूरा दिन ना जाता है, मैं भी ज्यादा कुछ कर रहा था सर, कॉलेज कल क्या था, फुल डे कल किया सर, मैं अरे अरुष 19 सर, क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या लिखने का, बैंक बैलेंस एज पर पासवर्ड, अगर नेगेटिव होता तो ओवरड्राफ्ट, एक लिमिट के बाद नेगेटिव हो। डन, नेक्स्ट वन, सम नंबर, एनी डाउट इन दिस एनीवन, try question 12 on your own, question 12 खुद से try करो, leave aside first statement, try question 12, where to where you are going to go, CB to BB or BB to CB, CB to B, cash book to passbook, cash book to passbook, Thank you.
इक्वल नहीं है ना, इसलिए तो बी आर एस बन रहा है। तो फिर वो तो एक स्टार्ट हुआ हाँ, वीडियो देखा हाँ, देखते हैं कंसेप्ट ही नहीं पता है। बी आर एस बनता है इसके लिए क्योंकि टैकबुक और पासबुक अलग है। बी आर एस का लॉजिक बनता है इसलिए है क्योंकि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अलग हो जाता है, दोनों सेम होना चाहिए, अलग हो जाता है इसके लिए। ट्वेल्थ अलग हो जाता है इसके लिए बी आर एस बनता है। ध्यान से देखना मुझे तो हर लेक्चर में ऐसे ही रहेगा। करो चलो फटाफट, ट्वेल्थ वाला ट्राई करो खुद से। ये वाला आया सबको 19 चेक्स इश्यूड ऑफ 50,000 इन द मंथ ऑफ फेब, बट चेक्स ऑफ 15,000 वर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। फिफ्टी में से 15 मार्च में गए तो 35 फेब में क्लियर हो गया। हाँ अरे 50 में से अगर 15,000 मार्च में क्लियर हुए तो अज्यूम कर रहा है कि 35 फेब में हो गए, ऐसा नहीं सोचता कि अप्रैल में हो गए। दो ही महीने का सोचने का अजम्पशन में समझा, कुछ चेक्स अगर मार्च में क्लियर हुए तो बाकी के फेब में हो, कुछ अगर फेब में क्लियर हुए तो बाकी के मार्च में हो, दो ही महीने। क्योंकि कोई इतना वेट नहीं करता, इतना भी आलसी नहीं होता कि एक डेढ़ महीना दो महीने तक पड़ा रहे चेक, 10-15 दिन के अंदर मैक्स डिपॉजिट हो जाता है। नहीं डिफरेंस अमाउंट इज 15 प्लस 50 में से अगर 15,000 के चेक नेक्स्ट मंथ में क्लियर हुए तो व्हाट अबाउट 35,000 सेम मंथ में क्लियर हुए, तो कैश बुक एंड पासबुक बोथ विल गो डाउन। इश्यूड है ना, कैश बुक गोज डाउन बाय 50,000, पासबुक गोज डाउन बाय 35, द गैप इज ऑफ 50। या फिर टेक कैश बुक डाउन बाय 15, कीप पासबुक फ्लैट। अभी बताया ना दोनों तरीके, एरोज इट्स फाइन, प्लस माइनस शुड बी करेक्ट, प्लस माइनस परफेक्ट होना चाहिए। अरे मार्च में हम लोग फरवरी का बना रहे हैं, 15,000 का कब प्रेजेंट हुआ है, हम लोग कौन से महीने में है, ऊपर देखो डेट बैलेंस कौन सा दिया है, फरवरी का मिला तो फरवरी में, इसमें फरवरी के महीने में 50,000 रुपया कैश बुक से जा चुका है क्योंकि इश्यू किया, जिसमें अभी पासबुक में कितना क्लियर हुआ मंथ ऑफ फेब में कितना क्लियर हुआ 35, पासबुक ऑल्सो गोज डाउन बाय 35 अरे नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट एस्पेक्ट, बैंक बैलेंस की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट। पीछे भी एक और लास्ट थिंग है, सर उन्होंने पास
देखो 20 ये वाला समझा, पहला वाला 60 ऑल ऑफ यू. क्या हुआ था पहले वाले में, 1 लाख का चेक आया था, कैशबुक वेंट अप बाय 1 लाख, बट पासबुक बाय ओनली 40,000, 60 का गैप आ गया. दूसरे वाले में समझा, अपने को फेब पे फोकस करना है भैया, कौन से महीने पे फोकस करना है, फेब. फेब के महीने में कैशबुक में कितना पैसा आया, पासबुक में कितना आया, कैशबुक से कितना गया, पासबुक से कितना गया. मार्च मतलब वो डिफरेंस है, तो मार्च में हो रहा है वो, दैट इज द एलिमेंट ऑफ डिफरेंस. ये मिला समझ में, ये 3,200, 6,700 तीनों चार्जेस वगैरह. फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ऐसा ब्रैकेट में नेगेटिव. तो क्या लिखोगे इधर, बैंक बैलेंस की जगह लिखने का बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर व्हाट, पासबुक. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. पॉजिटिव आ रहा है तो नॉर्मल, नेगेटिव आ रहा है तो ओडी. इज इट क्लियर? ऊपर तो नॉर्मल अच्छे, कैशबुक तो नॉर्मल होते, पर इस महीने में पासबुक में ओवरड्राफ्ट थे, सेम मंथ केम पासबुक की ग्राम बड़ा पैसा निकली गया, कैशबुक की ऐसी नहीं थी, दैट्स व्हाई पासबुक की जगह नेगेटिव था. सर 700 में क्या कटा है, देख पीछे है. अरे टर्न द पेज यार, ये तो कभी नहीं गेस कर पाता क्या, इधर लगता है कम खत्म हो गया, नहीं हुआ है देखने का. नाउ देयर इट इज, वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड एज कास्टिंग एरर्स. सी व्हाट आर कास्टिंग एरर्स नाउ. कास्टिंग का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग टर्म्स में, कास्टिंग मींस टोटलिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल ऑफ लेजर, दैट्स कॉल्ड कास्टिंग. ओके, नाउ बिकॉज कैश बुक इज मेड बाय द बिजनेस मैन, ओके, नाउ सो इट इज ऑल कंप्यूटराइज, तो ये कास्टिंग एरर्स ऑलमोस्ट नालिफाई हो गए, नेग्लिजिबल हो चुके. बट जब ये बनता था पहले, कैश बुक भी मैनुअली था, पासबुक भी मैनुअली होता था, तो सब कंप्यूटराइज है. So, तब कास्टिंग एरर्स होते थे. कास्टिंग मतलब क्या, टोटलिंग एरर. कास्टिंग मींस टोटलिंग एरर. ओके, सो टोटलिंग एरर से कैसे टैकल करने का. टोटलिंग एरर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है ओवरकास्टिंग, एक होता है अंडरकास्टिंग. ओवर मतलब ओवर टोटलिंग, अंडर मतलब अंडर टोटलिंग, सिंपल एज दैट. नाउ देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज ऑफ कास्टिंग. कितने, 8 पॉसिबिलिटीज होते हैं कास्टिंग, और सारे के सारे 8 को आपको एक ही तरीके का अप्रोच लेना है, सबके लिए एक ही अप्रोच लेना है. वो अप्रोच समझ लो तो आपका कोई भी कास्टिंग एरर आएगा इजीली टैकल कर सकते, ठीक है. या तो आपको देंगे ये कहीं लास्ट साइड पे लिख के रखना नोटबुक के, कैश बुक वाले नोट्स में लास्ट साइड पे, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, सेम फोर थिंग्स विद पासबुक. डेबिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट, डेबिट साइड ऑफ पासबुक अंडरकास्ट, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक. चार ओवर कास्टिंग है, चार अंडर कास्टिंग है, दो साइड होते हैं ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड और कैश बुक एंड पासबुक. सो 8 पॉसिबिलिटीज. ओके, हाँ लिख के रखो. एंड सपोज मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, वी आर मूविंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक, देन यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. कास्टिंग एरर्स, इफ द हेडिंग इज कास्टिंग एरर्स, इसका कंसेप्ट बैठ गया ना दिमाग में तो ये एकदम चिंदी है, नहीं बैठा तो घूमते रहोगे आप साइड और कास्टिंग.
क्या शब्द है पूछे करके रखो फिर बता दो, अभी तो समझाना बाकी है। देखो पहला वाला क्या लिखा है मैंने, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट। तो कास्टिंग का मतलब क्या है, टोटल, या तो आप कम टोटल किया है, जो था उससे कम किया है वो गड़बड़ है, उसको बोलते हैं अंडर कास्टिंग, या तो जो था उससे ज्यादा बता दिया, दैट्स कॉल्ड ओवर कास्टिंग, करेक्ट, दैट्स कॉल्ड टोटलिंग एरर, ओवर कास्टिंग या अंडर कास्टिंग। तो कभी भी कास्टिंग एरर आए, और कोई भी बुक हो, चाहे वो कैश बुक हो चाहे वो पास बुक हो, चाहे वो कैश बुक हो चाहे वो पास बुक हो, उसकी साइड को आप कन्वर्ट कर दो रिसीट और पेमेंट, डेबिट क्रेडिट को कन्वर्ट कर दो किसमें, रिसीट और पेमेंट। सो व्हाट इज द डेबिट साइड ऑफ कैश, रिसीट, व्हाट इज द क्रेडिट साइड ऑफ पेमेंट, व्हाट इज डेबिट ऑफ पासबुक, पेमेंट, व्हाट इज द क्रेडिट ऑफ पासबुक, रिसीट, कन्वर्ट द साइड इनटू रिसीट और पेमेंट। ओके, फिर कॉमन सेंस वाला अप्रोच है, देखो ये कैश बुक है ये पासबुक है, दिस इज कैश बुक दिस इज पासबुक, ठीक है, दोनों एक एक लाख पे। आपको मैं बोलूं डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 10,000, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 10,000, व्हाट इज डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, रिसीट। अब रिसीट ओवरकास्ट का मतलब पैसा आया, भले वर्चुअली आया गलती से आया लेकिन आया, डेबिट ऑफ कैश बुक मतलब रिसीट, वो डिसाइड कर दो। अब रिसीट ओवरकास्ट, रिसीट ओवरकास्ट मतलब ज्यादा रिसीट बताया, मतलब पैसा आया। अच्छा रिसीट अंडरकास्ट, कम रिसीट बताया। अच्छा पेमेंट, पेमेंट ओवरकास्ट ज्यादा पेमेंट बताया, खर्चा ज्यादा बता दिया, बैलेंस गया नीचे, पैसा गया तो बैलेंस में उठाओ। पेमेंट अंडरकास्ट, खर्चा कम बताया, बचत हो गई तो पैसा बढ़ गया। ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली नहीं हुए, मिस्टेक से हुए, बट मैंने आपको बताया मिस्टेक सुधारने का मजा लेने का, ठीक है। तो BIS में वी आर नॉट गोइंग टू रेक्टिफाई बिकॉज दीज मिस्टेक्स आर ऑल्सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, करेक्ट। वंस अगेन कन्वर्ट द साइड इनटू रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट ओवरकास्ट, रिसीट ओवरकास्ट पैसा, कोई भी बुक हो कैश बुक हो कि पास बुक हो, रिसीट ओवरकास्ट, रिसीट आई नॉट ओवर डेबिट क्रेडिट, आई ओवर रिसीट, रिसीट ओवरकास्ट, मोर रिसीट, मोर रिसीट, मोर पैसा, पैसा आया, रिसीट अंडरकास्ट गया, बैलेंस गोज डाउन, कंपेरेटिव बैलेंस गोज डाउन। पेमेंट ओवरकास्ट, सादा पेमेंट आया, पेमेंट्स अंडरकास्ट, पेमेंट्स कम आया, पैसा समझा, बचत तो पैसा बढ़ गया। सो पहला वाला है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज व्हाट, रिसीट, रिसीट ओवरकास्ट किसमें, सो कैश बुक गोज अप, कैश बुक गोज अप, पासबुक की मेन फ्लैट एरो मूव लेफ्ट टू राइट, सो यहां पे माइनस, ये माइनस में सट्टा मत मारो, ये कुछ भी हो सकता है, पीबी टू सीबी रहेगा तो उल्टा जाके प्लस हो जाएगा, ये एरो इंपॉर्टेंट, पैसा आया कि गया वो देख लो, और अच्छा दूसरा वाला क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, व्हाट इज क्रेडिट साइड, पेमेंट्स, पेमेंट्स ओवरकास्ट, पेमेंट ज्यादा बताया, पैसा गया कि आया, बराबर। तीसरा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, व्हाट इज डेबिट साइड, रिसीट, रिसीट साइड, रिसीट कम बताया, रिसीट अंडरकास्ट, रिसीट कम बताया, रिसीट कम का लॉजिक क्या है, दोनों 1,00,000 पे थे और आपने इधर 90 बता दिया, टोटलिंग एरर में ये 1,00,000 पे जगह 90 बता दिया, तो ऑब्वियसली कंपैरेटिव बैलेंस ऑफ पासबुक इज मोर, सो यू आर मूविंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक, सो यू आर सपोज टू ऐड, एम आई राइट, समझ आया ये। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक क्या होता है, रिसीट, रिसीट अंडरकास्ट, रिसीट कम बताया, पैसा आया कि गया, गया। अच्छा चौथा वाला क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, व्हाट इज क्रेडिट साइड ऑफ कैश, पेमेंट्स, पेमेंट्स अंडरकास्ट, पेमेंट्स कम बना, बचत, बचत पैसा, सो कैश बुक गोस। ये चारों में मैंने कैश बुक को ऊपर नीचे किया क्योंकि ये एरर किस बुक में हुए थे,
अब यही एरर किसमें हो सकते हैं? तो डेबिट साइड ऑफ पासबुक ओवर कास्ट. व्हाट इज डेबिट साइड ऑफ पासबुक? पेमेंट. हाँ पेमेंट. पेमेंट ओवर कास्ट, ज्यादा पैसा गया, ज्यादा पैसा गया. सो पासबुक गया नीचे, पैसे गए आपके, गए कि नहीं गए? क्यों गए? पेमेंट ज्यादा बताया, भले गलती से बताया लेकिन बताया. सीन क्या है? दोनों एक एक लाख पे थे, बैलेंस दोनों का 1-1 लाख था, ये बता दिया 90. पेमेंट ज्यादा बता दिया तो बैलेंस घट गया ना. पेमेंट ज्यादा बताओगे तो बैलेंस कम हो जाएगा, रिसीट ज्यादा बताओगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा. तो कंपेरेटिव बैलेंस इज लेसर, सो यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो यू सब्ट्रैक्ट देम. बराबर है? ओके. क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक ओवर का, व्हाट इज क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक? रिसीट. रिसीट, रिसीट ज्यादा बताया, ओवर का ऐसा आया. तो पासबुक में आया ना, पासबुक गोज. देन डेबिट साइड ऑफ पासबुक अंडर का, व्हाट इज डेबिट साइड ऑफ पासबुक? थिंक पेमेंट. पेमेंट्स अंडर का, पेमेंट कम बताया, पेमेंट कम बताया तो पैसा आया. एंड द लास्ट वन, पासबुक में बता रहा हूं क्योंकि पासबुक क्या है, कैशबुक में होता तो कैशबुक. मैंने क्या बोला? महामंत्र क्या है? कन्वर्ट द साइड इनटू रिसीट और पेमेंट. बस रिसीट और पेमेंट को कन्वर्ट करो, फिर रिसीट ज्यादा तो ऊपर, रिसीट कम तो नीचे, पेमेंट ज्यादा तो नीचे, पेमेंट कम तो ऊपर, कोई भी बुक हो फर्क. क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक अंडर का, व्हाट इज क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक? रिसीट. रिसीट कम बताया, पैसा गया. कौन सा बुक? पासबुक. क्लियर? सो उधर लिखो आप ही डैश करके, अभी खुद ही सोच के खुद ही बनाओ, खुद ही लिखो. आठो रीजन खुद दिमाग में फ्रेम करो, पैसा आया गया, छोटा छोटा डैश करके एरोज बता दो वहां पे. डैश आर यू टैकल कास्टिंग एरर. कास्टिंग मीन्स व्हाट? टोटली ओके, या तो ओवर या तो अंडर कास्ट. सॉरी आज लास्ट पे एनएम मिडिल का लास्ट पे कौन सा पर सी है? ओसी है शायद. दोनों का साथ यूनिट सर. व्हाट इज क्रेडिट साइड ऑफ कैश? पेमेंट. पेमेंट कम बताया, तो बैलेंस बढ़ेगा. लिटरली आपने कम खर्चा नहीं किया है, उधर कैलकुलेशन में आपने कम बताया. मिस्टेक्स हैं सब, लेकिन मिस्टेक्स भी आर रीजन ऑफ डिफरेंस. तो सोचते वक्त आप ऐसे सोच सकते हो, रिसीट ज्यादा.